एक मसला चल रहा है। फ्रांस के लोगों ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और उसके सदर ने उनकी ताईद की। हमारा ये दीनी फरीजा है कि हम उस मुल्क से अपना ताल्लुक कटा करें, ख़त्म कर दें। हमें नहीं चाहिए वो। हमारे वज़ीर दाखिला ने क्या बयान दिया है? वज़ीर दाखिला ने कहा कि जी वो अगर हम उनके उनसे के साथ कतई ताल्लुक़ करते हैं तो चुरंजा मुल्क हमसे नाराज़ हो जाएंगे, चुरंजा मुल्क नाराज़ हो जाएंगे यूरोप के। शेख रशीद साहब, आपको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश होना है, याद रखना। तुम चुरंजा मुल्कों को राज़ी कर लो और अल्लाह के नबी को नाराज़ कर दो। हमें नहीं चाहिए FFT, हमें ब्लैक में डाल दो, हम भूखे रह लेंगे, लेकिन हम अपने नबी की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं कर सकते, याद रखना। ये नहीं कर सकते हम। हाँ, कुछ लोग जो ये कर रहे हैं, जो इस वक्त कर रहे हैं, वो किसी के हाथों में खेल रहे हैं, हम इसकी ताईद नहीं करते। ये लोगों को सड़कें बंद करना, लोगों को तकलीफ़ पहुँचाना, ये मैं समझता हूँ इनके अंदर भी कोई ऐसे दुश्मन है जो ये काम कर रहे हैं। क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जिसका मफहूम यह है कि ईमान की 77 शाखें हैं। ईमान की 77 शाखें, सबसे पहली शाख ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और सबसे आखिरी शाख है रास्ते में से किसी तकलीफ दे चीज़ को हटा देना। हम तो मेरे दोस्तों लोगों की तकलीफ़ों, रास्ते की तकलीफ़ों को हटाने के लिए आए हैं। हमारे नबी ने तो ये सबक दिया कि रास्ते से चीज़ हटा देना, रास्ते रोकना ना किसी के। मेरा मुतालबा है ये जाती कि हमें नहीं चाहिए किसी ऐसे मुल्क से कोई ताल्लुकात पैसों की चीज़ों की बुनियाद पे कि हम इनकी पैसों चीज़ों को देखेंगे। हम अपने नबी को देखेंगे, खुदाए पाक की कसम हम नबी को देखेंगे, हम नहीं देखेंगे किसी और चीज़ को। नहीं चाहिए हमें पैसे, हम भूखे रहेंगे। लेकिन जो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करेगा, हमें ये बर्दाश्त नहीं है। लेकिन हम नहीं कहते ये बात कि हम तो सड़कें रोक देंगे, लोगों को तंग करेंगे, इस तरह ये नहीं करेंगे। कितने लोग इस मेरे जानने वाले गैस बनाते हैं, लोगों को ऑक्सीजन नहीं पहुंची। कोरोना के मुसीबत आई है, कोरोना के अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं पहुंची, गाड़ियों में, एम्बुलेंसों में लोग मर गए। ये तो जुल्म है, ये तो ज्यादती है। मैं समझता हूँ ये भी किसी ने करवाया इनसे, ये कुछ दुश्मन इनके अंदर घुसे हुए हैं, ये कुछ जाहिल अनपढ़ लोग जिन्होंने ये कराया है सारा। वरना कोई हुजूर का आशिक, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला लोगों को तकलीफ नहीं पहुंचा सकता, याद रखना। मेरे नबी ने सारी जिंदगी किसी को तकलीफ नहीं दी, दुख नहीं दिया, हम दुख देने वाले नहीं हैं। लेकिन हमारे नबी की शान में कोई गुस्ताखी करेगा, हम उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, याद रखना। ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं आज यहाँ से गुजारिश कर रहा हूँ जनाब शेख रशीद साहब से कि शेख रशीद साहब होश के नाखून लें, अल्लाह के रसूल को सामने रख के फैसला करें। चुरंजा मुल्क की अपन सारा ज़माना हमारे खिलाफ हो जाए, हम अकेले रह जाएं खुदा की कसम, और हम भूखे मर जाएं, हम कामयाब हो जाएंगे। अभी हुजूर के सामने नहीं जाना। जब हुजूर के सामने जाएंगे तो अल्लाह के नबी जब फरमाया, बताओ जब मेरी बेहरमती की गई थी तुम रोटी देख रहे थे, तुम्हें यकीन नहीं था कि रोजी देने वाली रात अल्लाह की है, तुमने मुझे नहीं देखा, तुमने अपने पेट को देखा, जाओ मेरे। अगर हुजूर ने हमें धुतकार दिया तो बचाओ हमारा क्या बनेगा, बताओ। होश करो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। अल्लाह ने हमारी दो जहानों की कामयाबी नबी के तरीके में रखी है। हमारी कामयाबी नबी के तरीके में है, याद रखना, और किसी तरीके में कामयाबी नहीं है। हमने अगर अपने नबी से वफा ना की तो हम अपने से वफा नहीं करेंगे, हमें कोई घर नहीं मिलेगा, कोई हमें नहीं बचा सकता अल्लाह और अल्लाह के रसूल के सिवा। कि जितने लोग नबी की ज़िंदगी नहीं जानते वो खाली एहतजाज कर रहे हों, तो नबी का जब सामना होगा, जब हुजूर ने पूछा कि मैंने कहा था तुम्हें रास्ते तुम्हें ब्लॉक करने हैं, तो अगर आपने फरमाया कि मैंने तो कहा था कि रास्ते को साफ करना है, तुमने ब्लॉक कर दिए, बताओ क्या जवाब देंगे हम? बजाय इनके कि हम उनको कुछ कहते, हम अपने लोगों को तंग कर रहे हैं। ये तरीका नबी का, बताओ ये क्यों बुरा कर रहे हैं? कर मोहब्बत में रहे हैं लेकिन लाइल भी है, पता ही नहीं क्या करना, करना क्या है? अल्लाह के नबी ने मोहब्बत करना भी सिखाया है, दुश्मनी करना भी सिखाया है। हमें तो दुश्मनी के आदाब भी नहीं आते, मोहब्बत के आदाब भी नहीं आते, हमें नाराज होने के आदाब भी नहीं आते कि नाराज भी कैसे होना है किसी से।
नाराज होने के भी कोई आदाब हैं, मोहब्बत करने के भी कोई आदाब हैं। ये एक जिंदगी है जो नबी ने सिखाई थी।